₹200 का ब्रेकफास्ट लेके मैकडॉनल्ड से आ रहे हैं हम बाहर। तो ये आ चुका हूँ मैं बर्थ प्लेस ऑफ मोटापा जो है अमेरिका। ये हमारे सामने है अमेरिका का मैकडॉनल्ड। हमने अराउंड इतने सेब के लिए यहाँ पे ₹80 खर्च किए। हेलो पुलिस, स्वागत है आपका। पुलिस बोलो क्या हो गया भाई, तुम बताते हो वीडियो क्या है। आज की वीडियो हमारी होने वाली है अमेरिका वर्सेस इंडिया मैकडॉनल्ड। बिल्कुल, और ओंकार की कमी आपको फील ना हो इसलिए हमने ओंकार का पुतला यहाँ लगा दिया हुआ है। बेसिकली ओंकार धावा जी गए अमेरिका। मैकडॉनल्ड अमेरिका में कैसा मिलता भाई साहब। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, करते हैं वीडियो को शुरू। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मैकडॉनल्ड में अपना ब्रेकफास्ट करने। और मैकडॉनल्ड पे ना ब्रेकफास्ट की कुछ ऐसी आइटमें मिलती हैं जो कि सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही मिलती हैं। जल्दी से जाते हैं इनका ब्रेकफास्ट मेन्यू देखते हैं और जल्दी से कुछ ऑर्डर करते हैं। साहब इंडिया कर रहा बहुत ही ज्यादा तरक्कियां। इंडिया में भी अब स्क्रीन वाला सिस्टम हो गया हुआ है, बंदे को ऑर्डर नहीं देना पड़ता, स्क्रीन पे अपना ऑर्डर दो, पेमेंट करो और आपका ऑर्डर हो जाएगा रेडी। तो गाइस ₹400 का ब्रेकफास्ट लेके मैकडॉनल्ड से आ गए हैं हम बाहर। मेरे को बड़ा दुख हो रहा है ये बोलते हुए कि ₹400 में अगर हम पराठे खाते ना पूरी फैमिली का पेट भर जाना था। बात तो मुक्ति की ठीक है, बट देखो अब बाहर की चीनी है, महंगी महंगी ब्रांड है, तो थोड़ा तो पैसा खर्च हो गई। हमने लिया है एक ब्रेकफास्ट में मैक एग, है तो ब्रेड ऑमलेट ही है, बट इन्होंने थोड़ा फैंसी नाम दे दिया। यार इतने कुछ डालते नहीं है, बताओ। अरे यार वैसे मुझे बताओ, ये भूल गए लगता है कुछ डालना। ये चीज मेरे को बहुत बेकार लगती है, अगर कुछ दे रहे हो बर्गर दे रहे हो तो उसके अंदर कुछ सब्जियां डाल दो, प्याज डाल है वो भी मुझे माइक्रोस्कोप से लगा के देखना पड़ेगा। दिखाई दे, बिल्कुल मेयोनीज ही डाल दी है, देखने में तो नहीं अच्छा, खा के एक बार देखना। जो बीत गई उसे बिसार दे, भूल जा। सच्ची बताऊं ऐसी फील आ रही है कि जैसे उबले हुए अंडे को ब्रेड में डाल के दे दियो और वो भी बहुत स्वाद लगता है। ये नहीं नहीं बहुत बेकार। आदि हाँ। ब्रेकफास्ट के लिए मुझे यहाँ क्यों लेके आए? आए हाय, चीज आप पीने वाले हैं यहाँ की चाय। चाय इतनी गंदी जायरी मारी है ना, चाय का स्वाद ही खराब हो जाएगा मेरा। इस चाय की कीमत है ₹51। नॉट बैड, अदरक वाली है ना तो मुझे मैं ना फ्रैपे से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जब हम इसके फोटो देखते हैं ना इतना सुंदर लगता है, मन करता है खरीद लो। इन्होंने पता क्या रखा है, अंदर फोटो लगा रखी है फ्रैपे की, कांच का ग्लास, ऊपर आइसिंग वाइसिंग हो रखी है, मतलब सुंदर सी बना रखी है। और एक्चुअल में ये ऐसी देते हैं। कैरेमल फ्रैपे हमने कराई थी, इट इज नाइस। मीठा है, वाह, मुझे मीठी चीजें बहुत अच्छी लगती है। फ्रैपे मीठी निकली। आप लोगों को नहीं पता, जाके देखो मुक्ति का इंस्टाग्राम। अच्छा, मुक्ति है बहुत ही ज्यादा टफ। वाह 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 वाह। अब हम खाएंगे अपना स्वाद अच्छा करने के लिए मैक पफ। ओए होए होए मुक्ति, मेरे को ना फेवरेट मेरा बचपन का मैक पफ ही लगता है। चीयर्स। ओ वेरी स्वाद है इसका। एक टाइम पे इनका ब्रेकफास्ट मेन्यू हुआ करता था, बट अब इन्होंने हटा दिया हुआ है ब्रेकफास्ट मेन्यू, तो दैट इज अ बिट डिसअपॉइंटिंग। बाकी मैक एग मत खाना। तो बस हमारा ब्रेकफास्ट हो गया थोड़ा सा ओके ओके, अब देखते हैं ओंकार अपने डॉलर खर्च के क्या खाने वाला है। तो ये आ चुका हूँ मैं बर्थ प्लेस ऑफ मोटापा जो है अमेरिका, वहाँ पे ट्राई करने मैकडॉनल्ड का मेन्यू। भाई साहब अगर आप परेशान है कि आपका वजन नहीं बढ़ता है, अमेरिका आए यहाँ पे पिज्जे बर्गर खाए और मोटापा पाए। अभी जल्दी से चलते हैं मैकडॉनल्ड और देखते हैं उनके मेन्यू में क्या अलग अलग चीजें हैं। ये हमारे सामने है अमेरिका का मैकडॉनल्ड। यहाँ पे ना ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि ड्राइव थ्रू से ऑर्डर दे, गाड़ी में बैठ के खाए या घर ले जाए, परंतु अभी हम जाएंगे अंदर और देखते हैं अपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीजें हैं, क्या यूनिकनेस है और क्या वो टेस्टी है या नहीं। तो ये जैसे अपने इंडिया में स्क्रीनें लगी हुई है ना ऑर्डर करने के लिए, सेम वैसे ही यहाँ पे लगी है। देखते हैं मेन्यू में। ऑर्डर हमने दे दिया हुआ है, एक चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ वो ये कि हेल्दी ऑप्शन भी ब्रेकफास्ट पे यहाँ पे मिलती है, और बिल जो है वो अपना इंडिया के हिसाब से ₹1500 आ गया हुआ ब्रेकफास्ट पे। तो जी ये है अपना ₹1500 का ब्रेकफास्ट, पर इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी है जिसके हमने पैसे नहीं दिए, वो है फ्री में। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको हनी मिल जाता है जिसके आपको पैसे नहीं देने हैं।
यहाँ पे मेयोनीज के सैशे मिलते हैं, जैसे अपने टोमेटो केचप मिलती है वैसे यहाँ पे मेयोनीज मिलती है। ये हमने ऑर्डर करी थी रैंच, इसके भी हमने पैसे नहीं दिए हैं, पता नहीं क्या होती है, टेस्ट करके देखेंगे। और साथ में नमक और काली मिर्च कुछ इस प्रकार दी जाती है, यहाँ पे वो टेबल पे छिर 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 करने वाला रिवाज नहीं है। एंड एक और चीज जो बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे वो ये कि सारी चीजें जो है चम्मच नैपकिन वगैरह वो अलग से थैले में डाल के दिए हुए हैं, थोड़ा हाइजीन का जो है मतलब ख्याल अच्छे से रखा हुआ है। सबसे पहले जो है वो हम ट्राई करते हैं यहाँ पे ओट मील। भाई ब्रेकफास्ट में ऑप्शन मिल रहा है ओट मील का, तो जितने भी हेल्दी वाले लोग हैं वो शायद ये चीज खा सकते हैं। दिखाते हैं आपको, ओए होए होए, सब्जियां वगैरह इसमें भेषुमार डाली हुई है। तो ये ओट मील के अंदर फ्रूट वगैरह जो है वो डाले हुए भेषुमार। और इस ओट मील की जो कीमत है वो है $3.15 विच इज ऑलमोस्ट 250 रुपीज। अब जरा टेस्ट करके देखते हैं, हेल्दी कुछ नहीं है, मीठा तो उन्होंने ठोक के डाल दिया हुआ है इसके अंदर, कहेगा हेल्दी है, अंदर बस फ्रूट और ड्राई फ्रूट है जो हेल्दी है, बाकी चीज नहीं, ठोक के पूरी। और अगली जो यूनिक चीज हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट में ली है वो है जी हॉट केक, जो कि मुझे पैन केक ही लग रहे हैं। तो ये प्रॉपर एक मील है जिसके अंदर इन्होंने स्क्रैम्बल्ड एग्स दिए हुए हैं, ये जो इन्होंने साथ में बन दिया है इसको बोलते हैं बिस्किट। अब पता नहीं बिस्किट क्यों बोलते हैं, ये तो पाव वाला ब्रेड है, खा के देखते हैं। यहाँ पे अपने को ये हॉट केक का सिरप दिया हुआ है जो मुझे लगता है मेपल सिरप होएगा। टेस्ट लेके देखते हैं, मीठे पूड़े हैं ये, मीठे पूड़े। भाई पता लग गया यहाँ के बच्चों को ये पैनकेक कितने अच्छे क्यों लगते हैं, एक तो सॉफ्ट ऊपर से मीठे, आहा हा मजेदार। और अब ये जो बिस्किट हम लेके आ रहे हैं ये खा के देखते हैं, ये नमकीन बन है, नाम बिस्किट पता नहीं क्यों रखा है। इसको एक बार खोलते हैं, ये अंडा जो है ना वो इसके अंदर डालते हैं, ये बन गया अपना अंडा पाव। ये बेटर लग रहा है। एक अपने को और आइटम यहाँ पे मिली हुई है जो है हैश ब्राउन, आलू की टिक्की। बस सच्ची कह रहा हूँ वो जो रेडी वाला बर्गर होता है ना वो डिट्टो ऐसी टिक्की अपने बर्गर में डालते हैं, आहा हा नजारेदार। और जी एक आइटम हमने यहाँ पे एक और लिया जिसका नाम है एप्पल पाई। अब देखते हैं इसकी पाई कैसी है, जैसे अपने पफ आता है ना वैसी शेप की है ये पाई। अंदर इसके सिनेमन का भी फ्लेवर आ रहा है, ये टेस्टी है, बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। अब हम ट्राई करने जा रहे हैं यहाँ पे ओरियो फ्रैपे। हाँ हाँ हाँ, फुल ठंडी, मतलब जो छोटे बच्चे कॉफी पीना शुरू कर देते हैं ना उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है ये। इसकी कीमत है $3। बाहर वाले मैकडोनल्ड की जो चीज मुझे अच्छी लगी है वो है जी पोर्शन साइज, पूरा भर भर के देते हैं। और एक चीज बहुत अच्छी है वो है जी एक कोल्ड ड्रिंक वाली मशीन, जितना चाहे उतना रिफिल करो। तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक लवर्स हैं उनको ये चीज इंडिया में भी चाहिए। तो भाई साहब ओंकार का ब्रेकफास्ट देख के मेरा तन मन धन बदन सब जल रहा है भाई साहब। अब ऐसा लंच करेंगे ना, ऐसा लंच करेंगे कि अमेरिका वालों ने कभी देखी नहीं होगी। क्या मतलब पराठे खाने वाला है? इंडिया में जो स्पेशल बर्गर मिलते हैं ना जो यूएस में नहीं मिलते, आज हम वो ट्राई करेंगे। तो लेट्स गो एंड ऑर्डर, चलो जी ओ ड्राइव थ्रू जाना, अच्छा, बेल्ट लगा ले। मैं ऐसी चीज खाने वाली हूँ कि ओंकार अमेरिका में चाहते हुए भी वो चीज नहीं खा सकता है। सही बात है, बटर चिकन बर्गर। ओए होए, देखो बटर चिकन तो यहाँ हर जगह मिल जाता है, हो सकता है अमेरिका में मिल जाए, पर बटर चिकन बर्गर नहीं मिलेगा बेटे। और मैंने लिया है मैक्स स्पाइसी पनीर रैप। तो जी ये रहा मेरा बर्गर। ओए होए होए, मुक्ति सच्ची बताइए तूने ये बर्गर पहले खाया? नहीं बिल्कुल भी नहीं। यार सच्ची तो बटर चिकन सुनते ही ना ऐसा लगता है मुझे कि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, तो वो फील नहीं आ रही। ये बर्गर बड़ा साफ सुथरा है। ये तो है, मेरा पनीर रैप आ चुका है, ऐसा कुछ दिखता है मैकडी का पनीर रैप। वाओ, अमेरिका वाले को दिखा रहा है। स्वाद होता है, स्पाइसी भी होता है। यार ये भी अच्छा वैसे। देखो इसके अंदर पूरी की पूरी टिक्की है पनीर की, बड़ा फुलफिलिंग सा हो जाता है ये। और ड्रिंक्स में हमने कराया बहुत ही अतरंगी ड्रिंक्स जो कि मैकडॉनल्ड्स में इंडिया में अभी नई नई आई हैं। एक है स्प्राइट स्पाइस्ड गुआवा, और मेरे वाला है मसाला कोका। आपको ऐसे उल्टा के दिखाऊंगा कोक गिर जाएगा मेरा। मसाला थोड़ा और हो सकता था। देखो हमें इंडिया में हमें आदत है गोलगप्पे का पानी पीने की, तो इसमें अगर थोड़ा मसाला ज्यादा होता ना तो मजा आ जाता है। ये स्पाइस गुआवा भी अच्छे, एक बार पी के देख। इसकी शक्ल दिखाना है ऐसे, गाइस आप इसकी शक्ल देख लो, दिख नहीं रही आपको? दिख रही है। चलो मुझे अच्छी लगी स्प्राइट के साथ, अच्छा एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, गुआवा का फ्लेवर डाला हुआ है भी और स्प्राइट में तो सोडा होता है।
और अमेरिका में पीरी पीरी फ्राइज मिलते हैं नहीं मिलते मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये रहा हमारा पीरी पीरी का पैकेट, सब डाल दूं? हाँ, अब इसको हम ऐसे करेंगे, कोई नहीं, और इसको करेंगे शेक 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 शेक। ओए होए होए, देखो पीरी पीरी में घुल मुल होने के बाद ये फ्राइज का रंग ही बदल चुका है। देखो फ्राइज तो एकदम गजब के हैं, स्वाद है। तुम्हारा लंच तो हुआ है बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स सी कि ओंकार हमें जलाने के लिए क्या क्या खाने वाले हैं, क्या क्या खाने, क्योंकि ब्रेकफास्ट उसने बहुत अच्छा किया। तो जी एक बारी फिर से जाने लगे हम मैकडॉनल्ड और खाने लगे अपना लंच। और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे हम जैसे लोगों के लिए है बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम, वो ये यहाँ पे चिकन ऑप्शंस है बहुत ज्यादा कम, वेज ऑप्शंस है ना के बराबर, जो ज्यादातर ऑप्शंस है वो है बीफ के, तो खाने के लिए बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो देखते हैं अभी अपने को चिकन में यहाँ पे क्या मिलता है, वेज में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेट्स सी। प्रभु सिंह, ये मेरा ऑर्डर है, ये प्लीज दे दोगे? कैन आई हैव वन स्पाइसी डिलक्स मैक क्रिस्पी एप्पल स्लाइस अल्पाइनो स्लाइस। किस बोलता है? यस यस, इस बारी हमने ऑर्डर दिया है ड्राइव थ्रू पे और मैं ना इम्प्रेस हो चुका हूँ डिलीवरी की स्पीड से। भाई साहब बहुत ही ज्यादा क्विक है यहाँ पे, ये ड्राइव थ्रू पे कहते हैं जल्दी चक्को और दफा हो जाओ, दूसरे बंदे ने भी लेना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा यूनिक सी चीज अपने को मिली है जिसका नाम है कोका कोला। साधारण कोका कोला नहीं, फ्रोजन कोका कोला। भाई साहब जमा के दे दी हुई है, तो ये जरा देखते हैं कैसी टेस्ट करती है। कोका कोला की स्लश है ये, गर्मियों में तो स्वाद ही अलग है इस चीज के। और बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के साथ अपने को मिला है कोई बर्गर जो हम खा सकते हैं, वो है जी स्पाइसी डीलक्स मैक CRISPY क्रिस्पी बर्गर। भाई साहब बंद देखो इसका किस तरह का है, बीच में लाइन मारी हुई है। ये है अपनी चिकन की पैटी पूरी, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। नाउ लेट्स टेस्ट इट। नाइस, पर नाम में ना इसके स्पाइसी लिखा हुआ है, स्पाइसी ये बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ब्लैंड सा टेस्ट है। और सॉसेज वगैरह भी इसमें सिर्फ ना के बराबर डाली है, प्याज वगैरह कुछ नहीं है। इंडिया वाले बर्गर जो होते हैं ना वो ज्यादा बेटर होते हैं। चलो काम तो चलाना पड़ेगा, इसको खाते हैं और देखते हैं क्या क्या आइटमें अपने को मिल जाएंगी खाने के लिए, क्योंकि इससे तो पेट भरेगा नहीं। अभी अभी मैंने चेक किया है कि अपना बिल कितना था और हो चुकी है मुझे डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि यो जो बर्गर है इसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट $6 इज इक्वल टू ₹480 के करीब का बर्गर है ये, और कोल्ड ड्रिंक जो है $1.39 की है, जो कि आई लाइक इट। तो जी एक मैकडॉनल्ड से आ चुके हैं हम दूसरे मैकडॉनल्ड पे, क्योंकि पिछले मैकडॉनल्ड पे ना रिसोर्सेस कम थे, कुछ चीजें अवेलेबल थी नहीं, और ड्राइव थ्रू पे ऑर्डर देना जो है ना वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, कई बार समझते ही नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं। इस बार खुद ही ऑर्डर दे रहे हैं अंदर जाके। तो जी काफी लोगों को मुझ पर यकीन नहीं होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वेज ऑप्शन है ही नहीं खाने के लिए और चिकन ऑप्शन भी कम है, तो आपको दिखा देते हैं एक बार। तो जी ध्यान से देखिए यहाँ पे अपने को चिकन में सिर्फ इतनी ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें ये मैक क्रिस्पी रिपीट हो रहा है कैंसिल, सिर्फ ये 6 बर्गर हैं जो चिकन में है। और यहाँ पे अगर आप देखो कहीं पे भी वेज ऑप्शन है ही। बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ अपने को कोई वेज चीज मिली है यहाँ पे खाने के लिए, और वो है जी सेब। सच में यहाँ पे सेब मिलते हैं पैकेट के अंदर डाल के, इन्होंने एप्पल स्लाइस दिए हमें, कितने, सिर्फ इतने, हमने अराउंड इतने सेब के लिए यहाँ पे ₹80 खर्चे हैं, $1 के है ये। है तो फ्रेश है, फ्रेश एंड जूसी, पर ठीक है, गुड है। और अगली आइटम जो हमने यहाँ पे ली है वो है मैकफ्लरी, कोई नॉर्मल मैकफ्लरी नहीं है, यो है जी M&M वाली मैकफ्लरी। तो जिन लोगों को नहीं पता M&M क्या होता है, इंडियन जेम्स है एक तरीके की ये। गुड है, गुड है, पर है महंगी है, अराउंड $4 की पड़ी है। अब चलो कोई बात नहीं, ले लिया खाना तो पड़ेगा, जल्दी से खत्म करते हैं और फिर देखते हैं रात को खाने में क्या मिलता है अपने। बिफोर मैरिज हर एक इंसान होता है लीनर, अब हमारी बारी आ चुकी है करने की डिनर। वाह वाह वाह, देखो अब बारी है की डिनर करने की, और पहले डिस्कस करते हैं ओंकार का लंच। ओंकार का लंच भी बहुत अच्छा था, क्या क्या मिलता भाई वहाँ पे, सेब मिलते हैं, सेब बताओ, सिर्फ सेब हमारे घर पे खा लो आके हैं। पर मुझे एक चीज और अच्छी लगी, फ्रोजन कोक, और मुझे लगता है वो यहाँ पे भी अगर इंट्रोड्यूस हो तो काफी चलेगी। इंडिया वालों ये चीज अपने वहाँ पे भी लॉन्च करो। अब बारी आ गई है मुक्ति अपना डिनर ऑर्डर करने की और ओंकार को जलाने की, चलो लेट्स ईट। सबसे बड़ा डिफरेंस अमेरिका के मैकडी और इंडिया के मैकडी में एक तो है, वो है ऑप्शंस का। अपने पास भाई साहब वेज के, नॉन वेज के, चिकन के, रैप के, भरपूर ऑप्शन है। ओंकार के पास दो चार ही ऑप्शन है, उसी में वो गुजारा कर रहे हैं। हम अभी करते हैं अपना डिनर का ऑर्डर प्लेस और एंजॉय करते हैं यहाँ के ऑप्शंस।
भाई साहब जब बारी आती ना पेट भरने की तो मैकडॉनल्ड्स में मेरे को तो एक ही चीज याद आती है, वो है राजा जी। यार एक तो ना मुझे समझ नहीं आता इसको उठाए कैसे, इसको उठाते नहीं है इसको यहाँ से सही। इसके अंदर की फिलिंग, इसके अंदर का सारा कुछ भाई साहब बहुत ज्यादा गजब, पूरा पेट भर जाता है इसको खा के। बाइट लेने दे फिर तू अपने बर्गर खाई, मेरे से बाइट ले भी नहीं जाएगी। इसकी बाइट लेने का तरीका बताता हूँ मैं, इसको ऐसे पकड़ो पीछे से। हेल्प तो नहीं चाहिए महाराजा जी आपको? स्वाद है बेस्ट। मुझे पर्सनली लगता है अमेरिका में ऐसा बर्गर नहीं मिलता होगा जो कि इतना मतलब लिबेडू हो, जो आपके हाथ पैर गंदे कर दे, पैर नहीं सॉरी मुंह गंदा कर दे। बहुत ज्यादा स्वाद है, है ना स्वाद है नहीं। मैं खाने वाली हूँ मैक्स स्पाइसी चिकन बर्गर, और ये मैंने इसलिए ऑर्डर किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को ओंकार की कमी फील हो, और ओंकार ने लंच में ये खाया था पर वहाँ का स्पाइसी नहीं था। मैं ये खा के रिव्यू देने वाली हूँ, और ये चिकन वाला बर्गर मैं पहली बार खा रही हूँ क्योंकि मैं मोस्टली वेज बर्गर खाती हूँ, नॉन वेज में बहुत कम खाती हूँ। स्पाइसी है, स्पाइसी तो ये भी नहीं है ज्यादा, नाम भी स्पाइसी है। और भाई साहब ड्रिंक्स में मैंने कराई है आइस टी, मुझे मैकडी की आइस टी ना हमेशा से अच्छी लगी, और एक कोल्ड कॉफी है, एक कोल्ड कॉफी। देखो इससे अच्छी कॉफी ना मैं आपको अपने घर पे पिला सकती हूँ, गाइस यू आर इनवाइटेड। इससे स्वाद हॉट और कोल्ड कॉफी मैं अपने घर पे बना, आइस टी ट्राई कर, मुझे ये आइस टी अच्छी लगती है, है ना? ठीक है, आइस टी बैठी। अपना डिनर लेके आ चुके हैं घर पे, और अब हमने जो चीजें ली हैं वो आपको बताता हूँ। ये है जी रूट बियर, पता नहीं दारू है या नहीं है, वैसे दारू मैकडॉनल्ड्स पे नहीं बेचते हैं तो नहीं होगी। साथ में हमने लिया है बर्गर जिसका नाम है हॉट एंड स्पाइसी चिकन बर्गर। एक बारी फिर से पाई आ चुकी है, इस बारी जो पाई है वो है कुकी एंड क्रीम पाई। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बर्गर के साथ। ये बर्गर बहुत पिद्दू सा बर्गर है, मुझे लगता है ये वाला बर्गर ना ब्रेकफास्ट में होना चाहिए था। और अंदर भाई साहब इन्होंने टमाटर वगैरह नहीं डाले हुए, अमेरिका में भी टमाटर का रेट जो है बहुत ज्यादा है शायद, प्याज भी नहीं डाला है। मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से ट्राई करते हैं। बर्गर स्वाद है पर थोड़ा सा माल पत्ता इसके अंदर और डाला जा सकता था। अपने जो बर्गर की कॉस्ट थी वो थी $2.60। अब जरा ये ट्राई करते हैं भाई साहब, इतनी ज्यादा गंदी कोल्ड ड्रिंक, ऐसा लग रहा है कोक के अंदर इन्होंने कोलगेट डाल दिया हुआ है, सुबह सुबह माउथ वॉश करते हुए गोरे इसके साथ। ये मैं नहीं पी सकता सच्ची, बहुत गंदी। अब जरा मुंह मीठा कर लेते हैं पाए के साथ। ब्रेकफास्ट वाली पाए तो अपनी अच्छी थी। ओए होए 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 क्या बात है भाई साहब, बहुत स्वाद है, मतलब रंग रूप से ना ऐसा लग रहा है जैसे ओरियो फ्लेवर होएगा इसका, अंदर से वाइट बाहर से काला, पर नहीं कुकी एंड क्रीम है। टेस्ट इज रियली नाइस, और इसकी जो प्राइस है वो है $1.79। ये तो बिल्कुल वर्थ इट है। सबसे ज्यादा बेकार चीज जो लगी है ना, डू नॉट ट्राई है, कभी भी जिंदगी में मत ट्राई करना, वो है ये रूट बियर। तो बस देखा जाए तो ओंकार का डिनर यूनिक था, बट इतना कोई अच्छा नहीं था क्योंकि उसकी ना ड्रिंक अच्छी थी, बर्गर वही चिकन वाला था, पाए जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग। पाए ना पाए, पाए इधर भी लेके आओ, मुझे भी पाए खानी है। देखो वैसे तो हम आपको दिखा रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया के मेन्यू में क्या क्या फर्क है, बट मनी मन एक कॉम्पिटिशन भी हो रहा है कि ओंकार इतनी स्वाद स्वाद अनोखी चीजें खा रहा है तो हम क्यों पीछे हटे। सॉरी नजर इसकी मैकलरी पे है, और अगर आप चाहते हो कि ऐसी अनोखी वीडियोस हम लाते रहे और हम इंटरनेशनल ट्रिप बनाते रहे तो वीडियो पे कमेंट जरूर छोड़ देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। तो ऐसी लोगों से डीप बात कर, मैं एक्सप्लोरी एंजॉय करता हूं।